गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम एक्सेलरेशन एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें हम वेरियस टाइप के एक्सेलरेशन जो किसी मैकेनिज्म में हो सकते हैं उसके विषय में जानेंगे, और हम यह भी सीखेंगे कि उस एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस। आप देख रहे हैं ये ओ ए एक लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक लिंक है और ये एंगुलर मोशन में है। तो ओ के अबाउट ए जो है इस पाथ में मूव करेगा हमेशा। तो ये जो सर्कल है ये नथिंग, ये ए का पाथ बता रहा है जो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो इसका पाथ होगा। तो एक हम यहाँ पे दो इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। नंबर वन, जब ये ओ ए जो है इस पोजिशन पे है, तो जब ये इस पोजीशन पे है तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स ये जिसको सपोज हम मान लेते हैं वी ए, अब यह जो है रोटेट करते हुए सर्टेन टाइम पे आफ्टर सम टाइम ये जो है इस पॉइंट पे आ जाता है। इसका कुछ हम नाम रख लेते हैं, ए डैश। ओके, ए जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो होगी ये इस लिंक के, लिंक का जो पोजीशन होगा उसके परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन जो होगा ये हो जाएगा सपोज कि ये जो लिंक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हम मान लेते हैं वी ए ना होकर के इसकी वेलोसिटी कुछ अदर वैल्यू है, वी डैश ए। तो ये चीज़ है मेरे पास। तो इसमें हमने एजम्पशन क्या क्या लिया कि एक जो है इस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड सपोज इस टाइम पे इसकी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। नाउ हम यदि इस लिंक की बात करें तो ऐसे में इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और ये चेंज होकर के कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस जितना एक्सेलरेशन है और जितने टाइम यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम इसको लगा वो अल्फा इंटू टी। तो अल्फा सपोज इसे यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा है, तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगा इसका इस केस में यहाँ तक आते आते मतलब इस पोजीशन पे इस इंस्टेंट पे वो होगा ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपली मैंने अल्फा टी ऐड कर दिया, और इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अल्फा यदि यहाँ था तो अल्फा ही यहाँ भी होगा। तो ये था हमारा बेसिक पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। अब आते हैं हम अपने, एक्चुअली ये एंगुलर की बात हो गई, अब आते हैं इसके इफेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन और क्या कहते हैं वेलोसिटी में क्या चेंजेज आएंगे। तो ये जो वी ए डैश है हम इस वेलोसिटी को, इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, ओके, इसको यदि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही रखना चाहें, तो चूंकि ये वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट हम इसको क्या कर रहे हैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं। ओके, तो हम दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि यह जो वेलोसिटी है यह इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का वेक्टर सम है, अर्थात हम इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब बात है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सपोज यह जो एंगल था डेल्टा थीटा है, यहां से यहां आने में जितना एंगल ट्रेवल किया गया वो डेल्टा थीटा, एज्यूम कर लेते हैं। तो यदि यह डेल्टा थीटा तो यह भी डेल्टा थीटा,
और इस केस में यदि ये डेल्टा थीटा है तो इसका यह जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी ए डैश वी ए का डैश इंटू कॉस डेल्टा थीटा, सिंपल मैकेनिक्स। और इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी ए डैश साइन डेल्टा थीटा। तो ये चीजें आ गई। तो अब यही चीज है, ये जो चीज था आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से लीनियर और में जो चेंजेज आया है, आप इस चेंजेज को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड सेकेंड पैरेलल टू ओ ए। इस दो वेलोसिटी को, ये एक्चुअली वेलोसिटी नहीं, ये तो वेलोसिटी है, बट यदि इसको हम इससे कंपेयर करेंगे इससे तो इजी है कंपेयर करना, क्योंकि ये हॉरिजेंटल वर्टिकल के फॉर्म में है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों के वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली क्या बतलाएगा, इस यूनिट टाइम से यदि हम उसको डिवाइड कर दें इस टाइम पीरियड से डेल्टा टी से, तो एक्चुअली उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसी चीज को हम थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो हम यदि चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लिंक लें, तो देखिएगा लिंक के परपेंडिकुलर का इनिशियल वेलोसिटी ये था और इस लिंक के परपेंडिकुलर में फाइनल वेलोसिटी ये आया है। मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये इतना से इतना हो गया है। तो एक्चुअली इसका चेंजिंग क्या है, दिस माइनस दिस। तो हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए कॉस डेल्टा थीटा माइनस वी ए, एक्चुअली इतना ही चेंज किया है। तो यदि चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल गया और टाइम हमें पता है डेल्टा टी यूज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ऑफ दिस पॉइंट, एक्सेलरेशन हर पॉइंट का अलग अलग होगा, एक्सेलरेशन लेकिन किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्चुअली दो कंपोनेंट में यहां टूटा हुआ है, परपेंडिकुलर टू ओ ए, एक्सेलरेशन ए का जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वी ए कॉस डेल्टा थीटा माइनस वी ए अपॉन, ये कितना हो गया डेल्टा टी। एंड इस वी ए का वैल्यू, ये जो वी ए डैश है, इस वी ए डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्चुअली हम यहां देखें तो ओमेगा, इस भी ए का वैल्यू आर ओमेगा एंड इस भी ए डैश का वैल्यू आर इंटू ये ओमेगा। तो बस हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो भी ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मतलब ओ ए, तो उसका लेंथ हम आर ही रहने देते हैं, इसका लेंथ सपोज कर लीजिए ओ ए का लेंथ जो है आर है, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी भी ए डैश के केस में इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस भी ए का आर ओमेगा। ये चीजें हमें वेलोसिटी एनालिसिस में ही पता है, बटा डेल्टा टी। अब देखिए इस आर ओमेगा से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि टाइम जितना कम होगा तो ये एंगल भी उतना छोटा, और यदि ये एंगल उतना छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू वन के बराबर, वो मैं लिख देता हूं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंस टू जीरो एंड कॉस डेल्टा थीटा टेंस टू वन। अब यदि इसका इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो आर ओमेगा कैंसिल एंड ये अल्फा टी, और क्या कहते हैं ये अल्फा टी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इधर, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा आर इंटू अल्फा, और इसको जो एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, इसके टेंजेंशियल है इस लिंक के, तो इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं,
और ये जो वैल्यू आया इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ए ओ। ये एफ टी है वो कुछ नहीं, ये इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका नाम भी हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक बात नाउ, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का डिफरेंस पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगा, पैरेलल डायरेक्शन में हम देखें तो इसका मतलब ओ का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस, तो हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना है पैरेलल में दिस, तो ये जो है वी ए साइन थीटा ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है। ओके, वी ए डैश साइन डेल्टा थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम देखें तो इस पोजीशन पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी तो था लेकिन इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं है, दैट मीन्स इस टाइम पे इस पोजीशन पे इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना था, जीरो, वर्टिकल या रेडियल कह लीजिए। और ये जो वेलोसिटी है ये इसका डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या हो रहा है टुवार्ड्स ओ, मतलब कि जिस पाइवट पे जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट होता है हमेशा, वर्टिकल में दो चीज हो सकता है ना, या तो डायरेक्शन ऊपर भी तो हो सकता है लेकिन ये हमेशा जो होता है टुवार्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो ये चीज़ें आई, तो मेरा वैल्यू क्या आया वी ए, अच्छा वी ए का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कितना, आर ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा। हम इस पे यदि अब लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो इस केस में साइन डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा थीटा होता है, ये आप लिमिट में आपने पढ़ा होगा उसमें, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, तो कॉस थीटा के केस में वन होता है और यदि साइन थीटा के केस में हम करें तो एंगल के थीटा के बराबर हो जाता है, थीटा टेंस टू जीरो देन साइन थीटा टेंस टू थीटा, तो ये मैथमेटिक्स है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा जो वैल्यू आया तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आ रहा है आर ओमेगा प्लस आर अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा, तो ये वैल्यू फाइनली आया। सो अब हम एक्सेलरेशन निकालें तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए पैरेलल टू ओ ए, तो ये कितना होगा ये वैल्यू। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर अल्फा डेल्टा टी डेल्टा थीटा, ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको दोनों वेरी स्मॉल है, दिस इज वेरी स्मॉल दिस इज वेरी स्मॉल, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू आएगा, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा मेरा जीरो टेंस टू जीरो। अब बचा ये, अच्छा एक चीज़ इसमें छूट गया आर ओमेगा, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा का इंटू डेल्टा थीटा रह गया था, ओके, तो ये जो वैल्यू आया है मेरा डेल्टा थीटा, तो पैरेलल टू ओ ए आर ओमेगा डेल्टा थीटा को चलिए डी थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, चाहे जैसे भी लिख सकते हैं आप, डी थीटा अपॉन डी टी फॉर एक्सेलरेशन, ये तो चेंज इन वेलोसिटी था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा पैरेलल डायरेक्शन में, तो डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, तो
आप इस फॉर्म में भी एक्सप्रेशन को रख सकते हैं, या तो फिर ओमेगा को यदि वी में हम कन्वर्ट कर लें तो आर ओमेगा कितना होता है वी, तो आर को आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाई आर, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका फाइनल वी स्क्वायर बाई आर। दोनों एक्सप्रेशन यूजफुल है, इसी फॉर्म में भी यूज होता है, तो आपकी मर्जी है आप किसी में भी रखें। अगर एंगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यदि लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में है तो इसका, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो और इसका जो नाम है एफ सी ओ ए, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए अबाउट ओ, एफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोटेशन हमेशा लगा रहेगा जब भी आपका लिंग में कोई एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा दो कंपोनेंट में होता है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो इसी को रेडियल भी बोलते हैं, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में होता है। तो वेलोसिटी में बस एक चीज़ था, एक लिंग का एक वेलोसिटी होगा, बट एक्सेलरेशन में आपको एक लिंक का दो चीज़ कंसिडर करना होता है, दोनों का वैल्यू अलग है, मतलब अलग है, दोनों का वेक्टर सम जो है एक्चुअल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हम दो एग्जाम्पल करके देखेंगे, एक फोरवर्ड मैकेनिज्म का और दूसरा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, इसके बाद आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ओके, धन्यवाद।